नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए, इसी क्रम में जो उत्तराखंड एसआई की जो प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट कर रखे थे, ठीक है, इसमें दो प्रैक्टिस सेट इससे पहले आ चुके थे, आज रहेगा हमारा तीसरा जो कि हिंदी प्लस रीजनिंग का रहेगा, जिसमें हमारे 150 क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी क्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम जीएस और मैथ के लिए भी यहाँ प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। पहले हम हिंदी और रीजनिंग का कर रहे हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन है, तो इससे क्या होता है कि अगर मैं 300 क्वेश्चन का पूरा वीडियो लेके आऊँगा तो वो 3 से 4 घंटे का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप लोगों का भी इंटरेस्ट कम होगा, तो हम डिवाइड करते हैं, पार्ट वाइज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, पहला पार्ट हमारा हिंदी का रहेगा। यहाँ पे 100 क्वेश्चन हमारे हिंदी के रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी होगी, यहाँ पे कन्नड़, असमिया, उड़िया या फिर बांग्ला। तो ये है आपकी कन्नड़ हो जाएगी। आप एक काम करिएगा, आप 100 से 150 तक यहाँ पे नंबर लिखिएगा, उसके बाद देखिए कि जब तक मैं यहाँ टिक करता हूँ उससे पहले आप लोग यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, तो एंड में आपके कितने नंबर आ रहे हैं आप कमेंट में बताएंगे। इससे क्या होता है कि आपको एक लेवल पता चलेगा आपका, और एक कट ऑफ भी यहाँ पे हम दिखा सकते हैं कि 150 में से लोग कितने नंबर ला रहे हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड है, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली कौन सी है। ठीक है, सूचनात्मक होती है, सूचनात्मक होती है शैली होती है, सॉरी वस्तुनिष्ठ शैली होती है, उल्टा पिरामिड शैली होती है या फिर वर्णनात्मक शैली होती है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है ध्यान देना, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित भावी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी होती है, ये होती है आपकी उल्टा पिरामिड शैली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, बायोडेटा को हिंदी में क्या कहा जाता है, स्वत, पत्रांक, अभिलेख या फिर प्रलेख। देखिए बायोडेटा, अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका जो आर ओ आर ओ का मेंस होने वाला है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन इस टाइप से शब्दावली वाले पूछे जाते हैं। ठीक है, 10 हिंदी टू इंग्लिश और 10 इंग्लिश टू हिंदी इस टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों का इस पर होगा कि मेंस भी होगा आर ओ का, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं हिंदी के लिए। ठीक है, तो इसका होता है स्वव्रत होता है। ठीक है, जो कि बायोडेटा होता है। जो चौथा है, इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द से प्रयत्न लगाने से बनता है। अब देखिए, कहने का मतलब यह कह रहा है कि जो इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है जिसमें हम स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना होता है। ठीक है, मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा या फिर विधुर। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भेड़ा, तो क्या हो जाएगा, भेड़ी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा हो जाएगा, संचार में शोर का मतलब क्या होता है। अब जो संचार होता है, ठीक है, उसमें जो शोर होता है वो क्या होता है, संचार प्रक्रिया में तेजी, संचार नहीं कर पाना, संचार प्रक्रिया में बाधा या फिर संचार प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाला कूट। तो आप शोर की बात कर रहे हैं, देखिए जो संचार होता है उसमें जो शोर होता है उसका मतलब यहाँ पे माना जाता है आपका संचार प्रक्रिया में कोई बाधा आती है। ठीक है, जो संचार वगैरह होता है उसमें बाधा आती है, तो कहते हैं कि शोर आ गया, ट्रैफिक आ चुका है। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, लाइनें बिजी हो जाती है संचार में। ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि उसमें आपका क्या हो गया है, बाधा उत्पन्न हो चुकी है। छठा क्वेश्चन है, निम्न वाक्य में विशेषण उपवाक्य पहचानिए, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है। ठीक है, तो इसमें से किस में यहाँ पे है, वही बच्चा सफल होता है जो मेहनती होता है, सफल या फिर वही बच्चा। तो इसमें से हमको विशेषण उपवाक्य की पहचान करनी है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो मेहनती होता है वो क्या है, यहाँ पे विशेषण उपवाक्य है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला। चलिए सातवां है, जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, परिपत्र होता है वो, अर्ध सरकारी पत्र होता है, सरकारी पत्र होता है, फिर अनुस्मारक होता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है सरकारी पत्र, उसको कहा जाता है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है, ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो ईमेल है ये आता है आपका, जाइकली आंसर लगाएंगे आपका, आधुनिक दृश्य माध्यम होता है ईमेल। नौवां है, पासपोर्ट को हिंदी में कहते हैं। अब जो पासपोर्ट होता है आपका, ठीक है, आप जिससे आप विदेशों में जो सफ़र करते हैं उसके लिए आपकी आइडेंटिटी कार्ड टाइप होता है, तो उसको यहाँ पे हिंदी में इसको पासपोर्ट को क्या कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है इसको पारपत्र कहा जाता है, क्या कहता है, पारपत्र यहाँ पे कहा जाता है। मोस्ट ऑफ आप लोग सुनते होंगे इसको पासपोर्ट ही बोला जाता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में भी लोग मोस्ट इसको यूज करते हैं, पर आज से आप याद रखेंगे इसको पारपत्र कहा जाता है। दसवां है, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है को क्या कहते हैं, यहाँ पे निविदा, विज्ञप्ति, टिप्पण या फिर प्रतिवेदन कहा है, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं टिप्पण कहते हैं। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, कौन सा पद विकृत नहीं होता है, संज्ञा, अवयव, विशेषण या फिर क्रिया। तो कौन सा नहीं होता है विकृत, अवयव नहीं होता है। 12वां क्वेश्चन है, संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप प्रयुक्त होने वाले
सॉरी संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे स्वरूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम, विदेशी, देशज आदि, अर्धतत्सम। देखिए इंपॉर्टेंट याद रखना, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन काफ़ी लंबा पूछा गया है जो कि है आसान, बट आपको कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन लंबे बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना तभी आप लोग यहाँ पर आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका अर्धतत्सम होता है। अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अब देखिए नहीं है पूछा गया, ध्यान देना हमेशा नहीं है में बहुत क्वेश्चन आ चुका। देखिए जो नया पैटर्न बना है एग्जाम का उसमें क्या हो रहा है, नहीं है कौन सा है वो पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। तो अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो, तरंग, घोटक, घोड़ा, हय। देखिए आप इसको देख के लग रहा होगा जो तरंग है वो क्या है आपका, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। बाकी घोटक हो गया, घोड़ा हो गया और हय हो गया, ये क्या है, अश्व के पर्यायवाची शब्द है। चौदवा है अध का विलोम है, ऊपरी, समाप्त, रति या फिर खत्म। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऊपरी हो जाएगा, ठीक है। पंद्रहवा क्वेश्चन है दिए गए शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त समानार्थी शब्द का चयन करें। अब देखिए अंबर दिखा हुआ है, ठीक है। तो अंबर क्या हो जाएगा, पीताम्बर, व्योम, नीलाम्बर, सोम, ठीक है। तो ये हो जाएगा व्योम हो जाएगा। सोलहवा क्वेश्चन है एफिडेविट का हिंदी अनुवाद क्या होता है। अब देखिए बहुत बार आप लोग एफिडेविट बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो एफिडेविट होता है शपथ पत्र, आपको जब शपथ पत्र नहीं देना होता है किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, तो एफिडेविट बनाते हैं आप लोग, बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहता है आपका एफिडेविट को, आप हिंदी में क्या कहेंगे, शपथ पत्र कहेंगे। सत्रहवां क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मुहावरा बताइए। युवकों को होने पर भी विवाह करना चाहिए, अपने पैरों पर दौड़ना चाहिए, नहीं दौड़ना नहीं होगा, अपने पैरों पैर पसारने के बाद, नहीं ये भी गलत है आपका, अपने पैरों पर खड़े। अब देखिए युवकों क्या होने पर, अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अक्ष का अर्थ नहीं होता है, ठीक है, आँख, सर्प, धुरी या फिर पृथ्वी। देखिए अक्ष क्या होता है, अक्ष पे घूमना कहते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, ठीक है, एक तो ये होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अक्ष का अर्थ कौन सा नहीं है, तो पृथ्वी इसका अर्थ नहीं होता है, ठीक है, धुरी होता है, सर्प होता है और आँख होता है, ठीक है। उन्नीसवां है उपसर्ग वह शब्दांश है जो, अब उपसर्ग क्या होते हैं, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, शब्द के आगे जुड़ता है, शब्द में कहीं भी जुड़ता है। नहीं देखिए अब उपसर्ग और आप दो चीज़ पढ़े होंगे, एक उपसर्ग होते हैं, एक प्रत्यय होते हैं। तो प्रत्यय होते हैं वो अंत में लगते हैं शब्द के, ठीक है, जो उपसर्ग होते हैं वो पहले लगते हैं। तो किसी भी शब्द के आगे जो जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 का सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रत्यय मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 3, 2, 4 या फिर 5। अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रत्यय की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्रत्यय बेसिकली दो टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, अब आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर तो वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक किया करिए आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। अन्वयी का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है, ठीक है, अनु प्लस आई, अनु प्लस आई, अनु प्लस आई, अनु प्लस वाई। तो अन्वयी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अन्वयी के लिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए अनु प्लस अन्वयी, अनु प्लस आई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आजीवन में समास है, ठीक है, आप किसकी बात कर रहे हैं, आजीवन की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है आपका, अव्ययीभाव समास होता है किसमें, आजीवन में, ठीक है। हम समास वाली जो हमारी डेप्थ वीडियो आएगी जो उसमें, तो उसमें हम जितने भी समास होते हैं सबको एक एक करके समझेंगे, उसकी ट्रिक होती है जो समास को समझने की, तो वो सब समझ लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोग उसको देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, मोहन क्या है, उद्देश्य क्या हो रहा है यहाँ पे, इसमें मोहन क्या कर रहा है, बाजार जा रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, बाजार जा रहा है। तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे मोहन है, मोहन क्या है यहाँ पे, उद्देश्य है, ठीक है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है, यह असली गाय का घी है, यहाँ शत्रु से खतरा है, अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, इस प्रकार यहाँ अनेक प्रकार के आविष्कार हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोला गया, शुद्ध और अशुद्ध की बात कर रहे हैं, ठीक है, शुद्ध शब्द की बात कर रहे हैं। शुद्ध में क्या हो जाएगा, यहाँ शत्रु से खतरा है, तो ये आपका यहाँ पे शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, सुपर्ण का, केंद्रीकरण, अशोक, देखिए अशोक गलत लिखा हुआ है, स्वास्थ्य। अब देखिए शुद्ध वर्तनी, वर्तनी से भी आपके 5-6 क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए जो केंद्रीकरण है ये आपका क्या है, शुद्ध रूप लिखा हुआ है, सुपुण का गलत है आपका, अशोक गलत है और स्वास्थ्य भी आपका क्या है, गलत है यहाँ पे। 26वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रस का अवयव नहीं है, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। तो देखिए रस का कौन सा अवयव नहीं है यहाँ पे, भाव नहीं है। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है, काव्य प्रकाश, छंद सूत्र, रसिक प्रिया, छंद प्रभाकर, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में बन सकता है, एमपी करना इसको, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, छंद सूत्र, क्या है आपकी, छंद शास्त्र की प्रथम बुक है, ठीक है,
ये क्वेश्चन जीके के अंदर भी आ जाता है जहाँ पे आप स्टडी की बात करते हैं। 28वां क्वेश्चन है, अलंकारों की महत्वता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रवणता आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, सही नहीं है बोल रहा है कथन। ठीक है, तो इसमें जो सही नहीं होगा, देखिए अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, ये तो आपके सही है। अलंकारों से बिना काव्य रचना संभव नहीं है, ये भी सही है आपका। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, नहीं, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला गया है कौन सा सही नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगर हम पृथ्वीराज की बात करते हैं तो ये आदिकाल में लिखा गया, किस में लिखा गया है, आदिकाल में लिखा गया है। 30वां क्वेश्चन है, यहाँ पे मात्राज्ञी में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या फिर विसर्ग संधि। तो देखिए यहाँ पे मात्राज्ञी में क्या है आपका, यहाँ पे यण संधि की बात है। ठीक है, 31वां क्वेश्चन है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। ठीक है, जो आलोक पर्व क्या है, एक रचना है, इसको क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1973 में। तो ये रचना किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, किसकी है आपकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। 32वां क्वेश्चन है, सारणी को देखिए, जो सारणी दी हुई है यहाँ पे, इसको मिलान करना है यहाँ पे सारणी का। अब देखिए पहली सारणी में है अल्पविराम, अब देखिए अल्पविराम है, कोष्टक है, संक्षेप सूचक है और योजक चिन्ह है। तो एक चीज़ देखिए, कोष्टक देखिए आपका फोर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ हो जाएगा। अल्पविराम देखिए थर्ड वाला आपका अल्पविराम है यहाँ पे। ठीक है, संक्षेप सूचक देखिए, खुद देखिए आप, ये आपका जो सेकेंड वाला है, ठीक है, ये दो हो जाएगा, योजक चिन्ह आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 3421, तो 3421 ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 33वां क्वेश्चन है, कुसुम का विलोम है कठोर, ब्रज, कोमल या फिर पाहन। ठीक है, तो किसकी बात कर रहा है, कुसुम की बात कर रहा है। तो कुसुम का जो विलोम होता है वो क्या होता है, वज्र होता है, मतलब उल्टा। ठीक है, 34वां क्वेश्चन है, कल्पित का विलोम है कल्पनाहीन, कल्पनायुक्त, यथार्थ या फिर प्राकृतिक। ठीक है, तो यहाँ पर विलोम की बात कर रहा है, तो कल्पित का जो विलोम हो जाएगा ये हो जाता है आपका यथार्थ, क्या होता है, यथार्थ होता है। 35वां क्वेश्चन है, दो पर्वतों के बीच की भूमि के लिए एक शब्द है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहाड़, नदी, घाटी, कोई नहीं। देखिए जो पर्वत होते हैं, पर्वतों के जो बीच की भूमि होती है, ठीक है, आप लोग मोस्ट ऑफ जितने भी लोग उत्तराखंड का पेपर देने तो उत्तराखंड से होंगे, और मोस्ट ऑफ उत्तराखंड क्या है आपका, पहाड़ी राज्य है, तो पहाड़ों के बीच में आप सबको इसके बारे में पता भी होगा। ठीक है, जो घाटी होती है, पहाड़ों के बीच में क्या होती है आपकी, घाटी होती है। ठीक है, 36वां है, जो उपकार को न मानता हो के लिए एक शब्द है, कृतज्ञन, उपकारी, कृतज्ञ या फिर अनुपकारी। ठीक है, जो उपकार को न मानता हो, जिसके मतलब उपकार करेंगे वो नहीं मानता है उस चीज़ को, इसके लिए यहाँ पे बात की हुई है, इसको कहते हैं कृतज्ञन कहते हैं। 37वां क्वेश्चन है, जब जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ठीक है, तो उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, अंधेरे व प्रकाश के, बुरे और अच्छे के, अज्ञान और ज्ञान के, प्रभु और प्राप्ति के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, अंधियारा और दीपक, यहाँ पे अज्ञान और ज्ञान की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ज्ञान और अज्ञान की बात कर रहा है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या करेंगे, अंधेरे और प्रकाश की बात करेंगे, नहीं, इस जो आपका यहाँ पे ये जो दोहा दिया हुआ है, तो इसके अंदर अज्ञान और ज्ञान की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, 38वां क्वेश्चन है, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं अशोक वाजपेयी, वीरेश्वर मित्र जी, गोपीनाथन, विभूति नारायण रॉय। ठीक है, तो वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक यहाँ पे कौन है, तो ये हैं आपके विभूति नारायण रॉय जी। किसी विचार को, भाव को अपनी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान से प्रलवन है, प्रलवित किया जाना ही, कल्पित किया जाना ही, वर्णित किया जाना ही या फिर पुष्पित किया जाना ही। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पल्वित किया जाना ही। देखिए यहाँ पे अभी हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, बहुत से बच्चे कहेंगे कि चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, जहाँ पे मुझे लगे कि एक्सप्लेन करनी है चीज़ें तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, बाकी यहाँ पे 150 क्वेश्चन अगर मैं एक एक चीज़ को डिस्कस करूँगा तो वो आपका 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी। ठीक है, इस वजह जहाँ पे ये एक प्रैक्टिस सेट टाइप है, आप लोगों को भी प्रैक्टिस जल्दी आपकी एक रिविजन आप पढ़ आप लोग रहे हैं, बट यहाँ प्रैक्टिस सेट है क्या होगा, आप जल्दी जल्दी इस वीडियो को अपने क्वेश्चन को मैच करेंगे और देखेंगे कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ठीक है, 40वां क्वेश्चन है, पल्लवन के लिए ही अपनाई जानी चाहिए, सही विकल्प बताइए, निगमम शैली, समास शैली, अलंकार शैली या फिर व्यास शैली। तो क्या होनी चाहिए इसके लिए, व्यास शैली अपनानी जानी चाहिए, अपनाई जानी चाहिए। ठीक है,
अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या है? चिरप्रसन्न, कृतज्ञ, आभारी या फिर कृतार्थ। ठीक है, जो अपने उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, उसके लिए जो एक शब्द की बात हम यहाँ पे करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कृतार्थ हो जाएगा। ठीक है, 42वां है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए एक शब्द है, अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या फिर स्वेच्छ सूची। तो इसके लिए हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा काली सूची हो जाएगा। ठीक है, 43वां क्वेश्चन है भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ है कठोर प्रतिज्ञा, दिखाने मात्र की प्रतिज्ञा, कोमल प्रतिज्ञा या फिर दृढ़ प्रतिज्ञा। अब किसकी बात कर रहा है? भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ की बात कर रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा दृढ़ प्रतिज्ञा हो जाएगा। सफेद का झूठ का अर्थ है, सफेद का झूठ का अर्थ है सच होना, अभिमान होना, शिष्ट होना या फिर पूर्णतः असत्य होना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पूर्णतः असत्य हो जाएगा। नई जमीन तोड़ना के चार अर्थ दिए गए हैं, सही का चयन करना है, नई जमीन तोड़ना, पुराने को मिटाना, लिखे हुए काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो हो जाएगा अनूठा प्रयोग। 46वां क्वेश्चन है निर्भय का संधि विच्छेद है। ठीक है, यहाँ पे अब निर्भय जैसे है उसका आपको क्या करना है? संधि विच्छेद यहाँ पे करना है, तो क्या हो जाए? देखिए नी प्लस भय, निर्भय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 47वां है पुरस्कार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पुरस्कार, पुरस्कार में क्या आपकी एक विसर्ग संधि है। कतर प्योत में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, दिगु समास, तत्पुरुष समास या फिर बरूबरी समास। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। जय पराजय में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, बरूबरी समास, द्वंद्व समास या फिर दिगु समास। अब क्या है? जय पराजय की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। 50वां क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से त्रुटि का चयन कीजिए। महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा, कोई त्रुटि नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट है, उद्घाटन करेगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, इसमें त्रुटि है। ठीक है, 51वां क्वेश्चन है वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? समास, उपसर्ग, इनमें से कोई नहीं, शब्द। देखिए अब किसकी बात कर रहा है? वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। 52वां क्वेश्चन है अनिर्वचनीय शब्द का शुद्ध वर्तनी है अनिवर्चनीय, देखिए कौन सा हो जाएगा? देखिए अब इसको ध्यान देना क्योंकि ऐसे शब्द काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि बहुत लंबे शब्द होते हैं। ठीक है, तो देखिए अनिवर्चनीय ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है नरक, नर्क, नर्क। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, ये नर्क वाला बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है? इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो नर्क को जब प्रैक्टिस करेंगे तो कैसे करेंगे आप? नरक होता है पूरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, बहुत से बच्चे बी करेंगे, बी आपका गलत होता है, नरक पूरा लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? जागृत, जागृत, देखिए जागृत होता है, क्या होता है आपका? जागृत होता है, ये वाला जागृत। ठीक है, 55वां है वर्तनी की दृष्टि शुद्ध है। देखिए आप इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो लेके आऊंगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देख सकते हैं आप अभी तक हमने 55 क्वेश्चन कर रखे हैं, इसमें आपके वर्तनी के 6 क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो एक एवरेज लेके चलना है आपको, हर चैप्टर से 7 से 8 क्वेश्चन रेडी करके चलने हैं। ये 100 क्वेश्चन है तो आपके हर चैप्टर से 7-8 क्वेश्चन आएंगे, जैसे वर्णमाला से 7 से 8 आएंगे क्योंकि वर्णमाला इंपॉर्टेंट, 10 भी आ सकते हैं वहाँ से, ये तो मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको। ठीक है, जैसे आपकी वर्तनी है 7 से 8 इसमें आएंगे, कारक हैं, समास हैं, दन छंद है, संधि है। ठीक है, हर चैप्टर से क्या करेंगे 8-8, 7-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस, आप मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत करेंगे, बट एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनका क्वेश्चन का जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 7 से 8 के बीच में रहेंगे। ठीक है, एवरेज लेके चल रहा हूँ, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो वहाँ से 10 से 15 भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है अंतर्धान, सष्टम, सहस्त्र या फिर अनुसंगिक। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा? शुद्ध बोला गया है। ठीक है, तो अंतर्धान यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आपको स्पीड लग रही है वीडियो की थोड़ी, तो आप वीडियो को स्पीड को कम कर सकते, देख सकते हैं। ठीक है, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बधु न होई मोर यह काला, इस उद्धरण में कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, प्रतीप अलंकार या फिर अपहनुति अलंकार। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है? यह आपका अपहनुति अलंकार है। निम्न में से कौन सा सारदस्यमूलक अलंकार नहीं है? उपमा, रूपक, विशेषोक्ति या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार।
नमक का दरोगा कहानी के लेखक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की है, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में, ठीक है। 59वां क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है, ठीक है। जो पद्मावत है वो जायसी जी की है, ठीक है, ये भी आपको पता है, पद्मावत मूवी भी आप लोगों ने देखी होगी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पदों की प्रधानता के आधार पर अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्ण पद, दोनों पद अप्रधान, दोनों पद, तीसरा पद, ठीक है। आप किसकी बात कर रहे हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर अव्ययीभाव समास में कह रहा है, ठीक है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई थी, वो मैंने वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी, ठीक है। तो इन आप जैसे आपके जो समास होते हैं उनको आप इजीली क्या करेंगे, बिना टाइम वेस्ट किए एक बार ट्रिक पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, अव्ययीभाव समास में पूर्ण पद क्या होता है, प्रधान होता है, ठीक है। भारत की राजभाषा है, अब देखिए भारत की राजभाषा की यहाँ पे बात करेगा, ठीक है। तो ये हिंदी है, ठीक है, हिंदी क्या है आपकी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखना, ठीक है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में डिफरेंस है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया, जो इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रभाषा नहीं, लोकभाषा नहीं, संपर्क भाषा नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया गया, क्या दिया गया था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था, ठीक है। कुछ डेट भी याद रखना, 14 सितंबर 1949, इसलिए 14 सितंबर क्या होता है, हिंदी डे मनाया जाता है, ठीक है। अब आप लोग कमेंट्स में बताएंगे इंटरनेशनल हिंदी डे और नेशनल हिंदी डे ये कब होते हैं, दोनों को मुझे डेट बताएंगे आप लोग, ठीक है। जिन व्यंजनों के उच्चारण से स्वर तंत्रियों में गूंज पैदा ना हो उन्हें कहते हैं गुंजन, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, तो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका अघोष कहते हैं, ठीक है। सघोष अघोष मैंने काफ़ी अच्छे समझाए हैं आप लोगों को, ठीक है। इस वीडियो को देखना, वर्णमाला वाली जो फर्स्ट इसकी जो जो मेरी हिंदी की जो मैंने एसआई के लिए हिंदी शुरू की थी उसमें 15 से 16 वीडियो आई हुई हैं, ठीक है। अभी वीडियो उसमें कंटिन्यू करूंगा, मैं अभी बीच में वीडियो नहीं आ पाई कुछ कारणवश, तो उसमें आपके वर्णमाला चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट उसमें 300 से 400 क्वेश्चन दिखा रखे हैं और एक एक करके उनको प्यार से समझाया भी है, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो उस वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो उससे आपकी वर्णमाला से आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आगे एग्जाम में, ठीक है, कोई भी एग्जाम दो आप। 64वां है, सघोष का सघोष वर्ण कौन सा है, प, थ, ब और स। तो देखिए अघोष सघोष, ठीक है, तो यहाँ पे सघोष की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा ब हो जाएगा, प, फ, ब, भ, म, ठीक है, इस टाइप से। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा या फिर निराशा। अब ये क्या कह रहा है, स्त्रीलिंग नहीं है कह रहा है, ध्यान देना एक चीज़ को यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो देखिए जो झुरमुट है वो क्या है आपका, यहाँ पे स्त्रीलिंग नहीं है, ठीक है। चलिए 66वां है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन पुल्लिंग, एकवचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, तो किस में रहती है, ये रहती है आपकी एकवचन पुल्लिंग में रहती है। निम्न में से क्रिया विशेषण है, अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन और सुंदर, ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे में क्रिया विशेषण है, ठीक है। 68वां है, मोहिनी तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक, कालवाचक या फिर परिमाणवाचक। अब तेज की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे पूरा ध्यान देना क्या बोला गया है, तो मोहिनी तेज दौड़ती है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, किसमें, तेज में, ठीक है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, किसका चयन है, तत्सम का चयन करना है, शेर, बब्बर शेर, व्याघ्र या फिर बाघ, तो तद्भव और तत्सम, तो व्याघ्र आपका क्या हो जाएगा, तत्सम यहाँ पे हो जाएगा। 70वां है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, पक्ष, वायु, साई या फिर राजा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साई क्या है, तत्सम शब्द नहीं है, क्या है, तद्भव है, ठीक है। नगर का पर्यायवाची शब्द है, जग, धाम, अटवी या फिर पुर, नगर की बात कर रहा है, ठीक है, तो नगर के लिए क्या होता है, पुर का यूज किया जाता है, मतलब पर्यायवाची क्या है इसका, पुर है। निम्न में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है, नम का नहीं है, गीला, भीगा, आंध्र या फिर आंध्रा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब देख के लग रहा होगा आंध्र होता है नम का, नमी जो होती है आपने देखा होगा, गीला भी हम कहते हैं, नमी होना, गीला होना, आंध्र होना, क्योंकि आंध्र जो भूमि में देखी है आपने, आंध्रा कोई शब्द यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है, निंदा करना, गुस्सा, बरखुरदार, अपस्मार या फिर स्तुति, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, निंदा का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है, इसको भी देख के आपको लग रहा होगा कुत्ता, कुष्ठा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, निंदा का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है 74, कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द है, अब देखिए विलोम की बात कर रहा है, ठीक है, कृत्रिम का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा। 75वां है, अपील किस भाषा का शब्द है, ठीक है, तो अपील किस भाषा का शब्द है यहाँ पे, तो ये है आपका अंग्रेजी शब्द,
क्रस का विलोम है, ठीक है, केस, भव, विटप या फिर हष्ट पुष्ट, ठीक है। अब इसका जो है इसका उल्टा क्या हो जाएगा, विलोम पूछा गया है तो ये हो जाएगा हष्ट पुष्ट हो जाएगा। 77वां क्वेश्चन है, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। इंपोर्टेंट है, पंक्तियाँ हैं सुमिता नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, ठीक है। तो ये हैं आपकी मंगलेश डबराल जी की हैं, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। जो स्त्री कविता रचती है वाक्य के लिए सही शब्द का चयन करें। देखिए कविता जो रचती है कवि, वो जो स्त्री होती है उसको क्या कहते हैं, कवित्री कहते हैं। क्या कहते हैं, कवित्री कहा जाता है। और देखिए कवित्री इंपॉर्टेंट है, ये आपका वर्तनी के अंदर भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किशोरी शब्द के लिए उचित वाक्य क्या है। 1 से 10 वर्ष तक की लड़की, 12 से 16 वर्ष आयु की लड़की, नई विवाही बहू या वधू जो होती है, या फिर जिस लड़की की शादी नहीं हुई हो। तो किशोरी जो होता है किसके लिए किया जाता है, तो ये क्या आता है, 12 से जो 16 वर्ष की आयु की जो लड़कियां होती हैं उनको यहाँ पे किशोरी कहा जाता है, ठीक है। 80वां है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो के लिए कौन सा शब्द सही है, कूपमंडूक, अल्पज्ञ, अंकिंचन या फिर मंथर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कूपमंडूक हो जाएगा। दांत काटी रोटी का अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मुहावरा बहुत बार पूछा जाता है, दांत काटी रोटी होने का मतलब क्या होता है। तो गहरी जो दोस्ती होती है, ठीक है, तो दांत काटी रोटी उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट हो जाएगा। 83वां है, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, इसमें मनोहर की बात कर रहा है, ठीक है। तो मनोहर में स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी, इनमें से कोई नहीं, तो ये होगी आपकी विसर्ग संधि होगी। मनोयोग शब्द में कौन सी संधि है, इसको लेख के लग रहा होगा मनोयोग, ठीक है। तो इसमें भी आपकी क्या होगी, विसर्ग संधि होगी, क्योंकि मनोयोग हो जाएगा, ठीक है। निम्न में द्वंद्व समास बताइए, शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष या फिर पाप पुण्य, ठीक है। तो द्वंद्व समास की अगर मैं बात करता हूँ तो द्वंद्व समास आप इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं पाप और पुण्य। उधो तुम हो अति बड़े भागी, इस पंक्ति में किस कवि की है, ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं। इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं यूके ट्रिपल एससी यूके पीएससी के में, खासकर हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, रिपीटेड क्वेश्चन है, उठो तुम हो अति बड़भागी, ठीक है। तो ये किसका शब्द है, तो ये है आपका सूरदास जी का। 87वां क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध का चयन कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति कविता कर सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, हर व्यक्ति कविता कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि शुद्ध चयन करना है, ठीक है, जो चारों में से यहाँ पे शुद्ध कौन सा है। तो प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकता, ये आपका क्या है, शुद्ध है। 88वां है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप है, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश भाग गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा, देखिए शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, ये आपका सही हो जाएगा। 89वां क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, उपरोक्त, उपर्युक्त, 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 ठीक है। इंपॉर्टेंट देखिए वर्तनी का फिर से आ गया, 6 क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, ये 7वां क्वेश्चन है। तो एक एवरेज लेके चलेंगे आप लोग कि 8, मतलब हर चैप्टर में ये मान के चलिए 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध वर्तनी का चयन करना था, यहाँ पे शुद्ध वर्तनी देखिए उपर्युक्त क्या है आपका, शुद्ध है यहाँ पे, ठीक है। 90वां क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखिए ये तो मैंने बहुत बार करवा रखा है, जब मैं आपको जब वर्तनी करवा रहा था इसकी 3 वीडियो मैंने बनाई हुई है, 3 पार्ट आए हुए हैं, ठीक है, जहाँ पे मैंने 400 से 500 वर्तनी करवाई हुई है। तो श्रृंगार तो मैंने आपको बहुत बार करवाया था, तो जो श्रृंगार लिखा जाता है वो स्टैच लिखा जाता है। अब जिसमें नए नए बच्चे जो होंगे वो श्रृंगार को पहला वाला लिखेंगे, जो कि आपका गलत होता है, ठीक है। तो श्रृंगार को ध्यान देना, जो श्रृंगार होता है आपका स्टैच से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए 91वां क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन, फिर से वर्तनी का क्वेश्चन आ गया, देखिए परमार्थ, सूर्योदय, आशीर्वाद, महर्षि, अशुद्ध शब्द का चयन करें। देखिए महर्षि सही है, आशीर्वाद भी सही है, सूर्योदय, परमार्थ, ठीक है। तो इसमें से ए ऑप्शन क्या है आपका, गलत है, बाकी तीनों के हैं आपके सही है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे ये शब्द आ रहे हैं इनको देख के चलिए, आगे क्या पता सूर्योदय की वर्तनी पूछ ले, कभी आशीर्वाद की पूछ ले, कभी महर्षि की पूछ ले, तो ये बहुत रिपीटेडली आते हैं, ठीक है। 92वां है, ज्यों ज्यों पटु छटकटी, हटती हंसती नचावत चैन, त्यों त्यों निपट उदारहु, फगुना देत बने न, ठीक है। तो इसमें अनुभव बताना है कि कौन पंक्तियों में कौन सा है, वाचिक अनुभव है, कायिक अनुभव है, मानसिक अनुभव है या फिर स्वात्विक अनुभव है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कायिक अनुभव हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आते हैं,
ठीक है, तो इसके लिए भी आपको रेडी रहना है। किसी व्यक्ति में अपवनित अलंकार है, ठीक है, तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये चंद नहीं मुख है। ठीक है, अगला है, हिंदी का प्रहरी इनमें से किससे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये बनाता है पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, यहाँ पे हिंदी का प्रहरी इनमें कहा जाता है। ठीक है, विहारी हिंदी का नामकरण किस विद्वान ने किया। ठीक है, कोलब्रुक, वाकिदास, ग्रियसन या फिर रेमंड, तो किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था ग्रियसन जी के द्वारा किया गया था। 96 का क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला था। कुरुक्षेत्र के लिए, उर्वशी के लिए, संस्कृत के चार अध्याय के लिए या फिर रश्मि रति के लिए। ठीक है, किसको मिला था, रामधारी सिंह दिनकर जी को यहाँ पे साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला था। और इनकी किस कृति के लिए यहाँ पे इनको मिला था, ये मिला था आपका संस्कृत के चार अध्याय, संस्कृत नहीं, ठीक है, संस्कृत के चार अध्याय याद रखना। 97वां है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सावधानी में प्रयुक्त क्या, जो प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग पहले लगते हैं, प्रत्यय लास्ट में लगते हैं, तो सावधानी ई, सावधानी यहाँ पे ई किसकी आ रही है, यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, समय की दृष्टि से अनुकूल के लिए एक शब्द होगा, अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल या फिर समयानुकूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा समयानुकूल हो जाएगा। विशिष्ट विषय जैसे विज्ञान, कला आदि की तकनीकी अभिव्यक्ति के लिए निश्चित अथवा विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द, पारिभाषिक शब्द, योगरूट शब्द या फिर रूट शब्द। ठीक है, तो कौन से होते हैं, तो ये होते हैं पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, दक्षिणी हिंदी, संस्कृतनिष्ठ, हिंदू उर्दू मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है आपका, हिंदी और उर्दू मिश्रित है। तो ये थे हमारे हिंदी के 100 क्वेश्चन। ठीक है, अब जो क्वेश्चन करेंगे हम करेंगे आप रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, जो कि आपका यहाँ पे 150 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहेंगे हमारे अब हिंदी के क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंग्रेजी, 101वां क्वेश्चन है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा है। ये मैंने जब रीजनिंग की यहाँ पे क्लास करवाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आते हैं इस रिलेटेड मैंने करवाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या करना है, ए से जेड तक जाना है आपको यहाँ पे। ठीक है, ए से जेड तक, अब यहाँ पे देखिए ए से जेड तक 12वां अक्षर आपका क्या आता है, अगर आप लिखते हैं ठीक है, तो एल आता है, एल क्या आता है आपका 12वां अक्षर आता है। ठीक है, एल एम आपका 13 होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 12वें अक्षर के दाएं ओर, अब 12वें अक्षर का दायां, देखिए ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। ठीक है, ये आपका दायां है, ये आपका बायां है, तो ये दाएं कह रहा है, तो यहाँ से दाएं चलेंगे तो क्या आएगा, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, आठवां बोल रहा है ना, टी, तो टी क्या आएगा आपका, आठवां आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप लोगों को पूरा लिखना है यहाँ पे ए से जेड तक, उसमें नंबर ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं वर्णमाला वाले, ठीक है, तो यहाँ पे आपको डेट पता हो, मतलब जो कह सकते हैं कि नंबर पता होना चाहिए कि ए का एक होता है, ई का 5 होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में सब पता होना चाहिए आपको। चलिए 102वां है, यदि रिमोट को सांकेतिक रूप में, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, आर ई एम ओ टी ई आर ओ टी ई एम, इनको क्या कर रखा है, खुद ही देखिए आप लोग, आगे पीछे कर रखा है इनको। ठीक है, तो आर सेम है, ठीक है, तो इसी क्रम में हमको बोला होगा कि पी सी आई सी एन का क्या होगा सांकेतिक रूप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख के देखता हूँ, आर ई एम ओ टी और ई, ये लिखा हुआ है, नीचे कैसे बना है, आर ओ टी ई एम और ई, कुछ नहीं कर रखा है इनने, फर्स्ट सेम सेम लिख रखा है, बाकी इनको चेंज कर दिया है, ई यहाँ लिख दिया गया है ऐसे आगे। ठीक है, जो एम है यहाँ आ गया है, जी ओ यहाँ, टी यहाँ, ई ऐसे आ गया है। ठीक है, तो इसी क्रम में क्या पूछा गया है, पी सी आई सी एन पूछा गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, पी सी आई सी एन, ये हो गया आपको, ठीक है, आई है यहाँ पर एक और, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए पी यहाँ पर रहेगा, ठीक है, आई सी नीचे आ जाएगा वो, एन आई सी, तो ये रहेगा, तो पी आई सी एन आई सी, तो अब कौन सा रहा, देखिए 102 का जो राइट ऑप्शन रहेगा, तो ये रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देखिए पी आई सी एन आई सी एन आई सी। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, बस कुछ नहीं करना है आपको, अल्फ़ाबेट पता होना चाहिए और डायरेक्टली इनको लिख लेंगे नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 103वां क्वेश्चन, जिस प्रकार फूल का संबंध किससे है, गजरे से है, ठीक है, गजरा होता है जो बालों में लगाने वाला, उसी प्रकार मणिका का संबंध किससे हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए फूल किससे बनते हैं, गजरा फूल से बनता है, तो मणिका से क्या बनता है, हार बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 104वां क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए 1 2, देखिए आप एक चीज़ देखा आप लोग,
यहाँ पे क्या चार है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जैसे आपका देखिए यहाँ पे क्या 2 था, 2 का स्क्वायर 4, 3 था, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, अब यहाँ 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा। ठीक है, अब ध्यान देना 25 कहाँ पे है, यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, डायरेक्टली आपको यह आंसर नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान देना है, जी पीछे 6 दिया ये कैसे आया, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। क्लियर है आप लोगों का? चलिए 105वां क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीडली कराऊंगा मैं क्योंकि यार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी हमको अपनी एक्यूरेसी और टाइम का ध्यान देना है, क्योंकि 3 घंटे का टाइम है और 300 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे? अब ध्यान देना, अब देखिए 29 दिन लीप ईयर और नॉर्मल ईयर जो होते हैं, अब अगर 29 दिन होंगे तो वो कौन सा ईयर रहेगा। अब इसमें कह रहा है कि किस वर्ष नहीं होंगे, 2000 में, अब जो 4 से पूरी पूरी बार कट जाता है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो इसको देख के लग रहा है 1966 आपका ये है, जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, इसमें 4 का भाग पूरी पूरी बार नहीं जाता है। ठीक है, चलिए 106वां क्वेश्चन है, यदि किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण का माप क्या होगा? इसके लिए कुछ भी नहीं करना है, मैंने हमेशा जब भी क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, मैंने एक फॉर्मूला दे रखा है, उस फॉर्मूले को आपको याद करना है एंगल निकालने के लिए। देख क्या होता है आपका 60h - 11m/2, क्या करना होता है आपका, जो h दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपका क्या होता है आवर, 9 बजे है, और जो m दिया हुआ है ये आपका मिनट होता है, तो मिनट में रख देंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, 60 × 9 - 11 × 30 डिवाइड बाई आपका 2 हो जाएगा। तो कैसे करेंगे देखिए, 9×6 = 54, 540, उसके बाद 11 से 3 को गुणा करेंगे 33, आपका 0, ठीक है, नीचे 2, 540 में से 330 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 210 आएगा, 210 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा, और 105 एंगल ऑप्शन नंबर ए आपका डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? बस ये फॉर्मूला याद रखना है, 60h - 11m/2। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आसान, ठीक है, जितनी आसान भाषा में मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। चलिए 107वां है, तो इसी में आसान तरीके से पढ़ने के लिए आप देखिए, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने यहाँ पे ऐसा की सीरीज कर रखी है, जो सीरीज है आपकी, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इन वीडियो को देखिए, जो कि आपको यहाँ पे जो कंटेंट मिलेगा वो बेस्ट आपको पेट जैसा ही आपको कंटेंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चलिए 107वां है, लड़कों की एक पंक्ति में राजू ऊपर से 10वें स्थान पे है, कुछ भी नहीं करना, ये क्वेश्चन रिसेंटली मैंने आपको जो वीडियो आई है, जो रीजनिंग की क्लास 15 और 16 आई हुई है, 15 और 16, वहाँ पे चैप्टर मैंने कंप्लीट करा रखा है, ठीक है, आप उसको जाके देख सकते हैं। लड़कों की एक पंक्ति में राजू ऊपर से 10वें स्थान पे, अब ध्यान देना ये पंक्ति है, जैसे यहाँ राजू कितने स्थान पे, 10वें स्थान पे है, ठीक है, तथा रवि नीचे से 21वें स्थान पे, अब रवि नीचे से क्या है, 21वें स्थान पे, यह ध्यान रखना यहाँ पे रवि है, यदि उनके बीच कितने छात्र हैं, 3 छात्र हैं, ठीक है, तो पंक्ति में कितने लोग, कुछ नहीं करना है, 21 + 10 कितने हो गए, 31 हो गए, प्लस 3 लोग बीच में हैं, ये हो जाए कितने हो जाएंगे, 34 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए बहुत आसान है, आराम की चीज़ों को करना है आपको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 व्यक्ति 1 वृद्ध, अब देखिए ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वृद्ध वाला, जो कभी इसमें इसमें एक ही चीज़ ध्यान देना होता है कि जो वृद्ध है उसमें जो बैठे हैं लोग, ठीक है, उनका मुंह बाहर की तरफ है या अंदर की तरफ है वो देखना होता है, तो इनने पहले यहाँ पे बोल दिया गया, इस पर ध्यान देना, केंद्र की ओर के मुंह बैठे हैं, केंद्र की ओर बैठे हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे आपका ये सर्कल है, ठीक है, इसमें 5 लोग बैठे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, अब इनका मुंह है कहाँ है, सेंटर की ओर है, केंद्र की ओर है, तो यहाँ पे अगर कोई बैठा है तो इसका ये राइट हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? अब ध्यान देना जो मैं करवाऊंगा, आप कैसे करना है आपको, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, देखिए 5 लोग बैठे हैं तो 5 लोग हमने मना दिए हैं, केंद्र के मुकर के बैठे हैं, ये भी सही है, मुकुंद राजेश के बाएं बैठा, अब कहीं भी आप क्या करेंगे, मुकुंद को बैठाएंगे, ठीक है, तो मुकुंद को आप यहाँ पे बैठाएंगे, ठीक है, तो क्या बैठा है, देखिए मुकुंद राजेश के बाएं बैठा है, जब राजेश यहाँ पे होगा तो राजेश का बायां इधर हुआ तो यहाँ मुकुंद बैठा हुआ है, क्लियर है। विजय अनिल व नागेश के बीच, ठीक है, विजय कहाँ बैठा हुआ है, नागेश और अजय किसके बीच बैठा है, अजय के बीच बैठा हुआ है, अजय है ना, नहीं अनिल है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अनिल को बैठाऊंगा, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे विजय को बैठाऊंगा और यहाँ पे मैं नागेश को बैठाऊंगा, क्योंकि जो विजय है वो अनिल और नागेश के बीच में है, तो नागेश और अनिल के बीच में विजय बैठा हुआ है, तथा अनिल के बाएं बैठा है कौन, विजय, क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ना, विजय अनिल व नागेश के बीच तथा अनिल के बाएं बैठा है, ठीक है, तो यहाँ पे अनिल है तो अनिल का बायां विजय, क्लियर है, ये भी आप लोगों को, क्वेश्चन आपका बन गया यहीं पे, अब जो पूछा है उसका आंसर दो सीधे, नागेश के ठीक बाएं कौन बैठा है, अब नागेश के बाएं जो नागेश है, नागेश का ये राइट, ये लेफ्ट, ये बायां, तो कौन बैठा है आपका, क्या पूछा गया, दाएं पूछा गया है ना, ठीक है, तो नागेश के दाएं, तो दाएं कौन बैठा है, दाएं राइट साइड मतलब विजय बैठा है,
आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, कुछ भी नहीं करना है, पर डायग्राम समझना होता है कैसे बनाना है आपको, आंसर आपको फिर डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए 109वां क्वेश्चन है। देखो ये तो हर किसी को आता होगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, जो भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं इसमें से आपको डायरेक्टली भी एग्जाम में क्वेश्चन लिखने को मिल जाएंगे। देखिए अब जो प्लस है, प्लस का मतलब क्या कह रहा है, गुणा कह रहा है यहाँ पे, भाग का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए प्लस कह रहा है, ठीक है, माइनस का क्या कह रहा है, माइनस का भाग कह रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, और गुणा, गुणा का मतलब कह रहा है माइनस कह रहा है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो क्या करना है, देखिए पहले हम भाग करेंगे, चार से दो बार कट हो जाएगा यहाँ पे, और नौ अट्ठे बहत्तर, ठीक है, बहत्तर था प्लस यहाँ पे कितना है, दो है ये वाला, ठीक है, ये ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो प्लस टू, अब यहाँ पे क्या था आपका, माइनस था, देखिए ये वाला माइनस है, नौ हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 74 माइनस नाइन, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 65 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। क्लियर है ये भी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अब आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे जितनी भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। चलिए अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 110वें क्वेश्चन में, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने हैं, पाँच, अब ध्यान देना यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। देखिए ऐसे कितने पाँच हैं, पाँच को हम आइडेंटिफाई करना है, जिनके ठीक पहले छः है, इस ऐसे कितने पाँच, जैसे देखिए पाँच के आगे छः, देख एक तो जैसे ये आ गया, देखिए पाँच से आगे छः है, लेकिन ठीक बाद में आठ नहीं है, आठ नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे देखिए पाँच से पहले छः था बाद में पाँच था, यहाँ पे आठ नहीं है, मतलब एक हम इसको काउंट करेंगे। दूसरा देखिए पाँच के आगे छः, ये वाला है देखिए, दूसरा हो गया, अब यहाँ पे इसको हम काउंटर नहीं करेंगे क्योंकि पाँच के बाद आठ आ गया है, ध्यान दीजिए, तो इसको काउंट हम नहीं करेंगे, तो कितने हो गए, एक और दो, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, आपका ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। 111वां क्वेश्चन है, नीचे पांसे की दो स्थितियां दर्शाई गई हैं, बताइए कि पांच अंक के विपरीत सतह पर कौन सा अंक आएगा। अब देखिए पांच के विपरीत पूछ रहे हैं, ठीक है, इसके विपरीत, तो इसके लिए कुछ क्या करना होता है, सिंपली होता है, मैंने इससे पहले करवाया हुआ एक वीडियो में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे पाँच होगा तो पाँच का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है। 112वां है, एक 18 सेंटीमीटर के ठोस घन के यदि 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन बनाए जाए तो कुल कितने घन बनेंगे, अब ध्यान देना 18 सेंटीमीटर घन कह रहे हैं, घन की बात कर रहा है, ठीक है, और 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे पार्ट कह रहा है, तो कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्टली आप, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा फिगर, ठीक है, तो आपका ये 216 यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 113वां क्वेश्चन है, सुरेश साल, देखिए ये आपका डायरेक्शन वाला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। सुरेश 7 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, देखिए सूर्य जब यहाँ है तो पूरब की तरफ कितना चल रहा है, 7 किलोमीटर चल रहा है, फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ रहा था, इसका बायां ऊपर को रहेगा तो कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चल रहा है, उसके बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, अब इसका दायां इधर रहेगा, इधर मुड़ गया और 5 किलोमीटर चल रहा है, कितना चल रहा है, 5 चल रहा है, अंत में वह फिर अपनी दाईं ओर, अब जब यहां जा रहा है तो दायां इसका नीचे को रहेगा और कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पहुँच गया और यहाँ से इसने स्टार्ट किया था चलना। वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, देखिए प्रारंभिक यहाँ था तो यहाँ से कहाँ की तरफ है, पूरब की तरफ है अपने, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस क्वेश्चन को ये लोग बढ़ा देते हैं कि आप जैसे पढ़ेंगे कन्फ्यूज होने के लिए, आपको दायां बायां यहाँ पे ध्यान देना है बस। चलिए अगला है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ चुका है, देखिए एक महिला यहाँ बैठी है, यहाँ पे साइमन है, साइमन क्या कह रहा है महिला से, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, मतलब जो पिता की बहन बुआ, बुआ की लड़की हो जाएगी, ठीक है, वह महिला का साइमन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, जो महिला है उसका साइमन से क्या संबंध है, फुफेरी बहन का संबंध है, क्या है, फुफेरी बहन का संबंध है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कर रखा है, टाइम लेगा थोड़ा सा, यहाँ पे मैं करवाऊंगा तो समझ में आएगा नहीं आपको, ठीक है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक साइड आपको सब्जेक्ट लिखने हैं, जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डे लिखने, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, इस टाइप से, ठीक है, और जो जो बोला है कि सोमवार और शुक्रवार को रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र, उनमें ऐसे टिक करना है ऐसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका रसायन विज्ञान आ जाएगा, रसायन केमिस्ट्री वाला, तो उसको जो ट्यूसडे होगा या वेनसडे होगा उसमें टिक करना है, और जो जो आपको क्वेश्चन पूछे होंगे यहाँ पे आगे, देखिए ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग जब आप डायग्राम बना लेंगे तो यहाँ पे आप इसमें टिक कर सकते हैं कि सोमवार को व्याख्यान में अनुसूचित कौन कौन थे, कौन नहीं थे करके, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भी क्या करने चाहिए, प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। रुको मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, एक मिनट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका ले लो, फिर बाकी क्वेश्चन पीछे दिखा रहा हूँ मैं।
ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, चलो इसको भी ले लो, यहाँ से लेके 119 तक, ठीक है, यहाँ तक ले लो एक। क्लियर है, बड़े आगे क्वेश्चन की तरफ। चलिए 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कौन सा आरेख भाषा अंग्रेजी और हिंदी का संबंध दर्शाता है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चन में हर चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि देखिए रीजनिंग के अंदर आपके 35 चैप्टर है टोटल मिला के, ठीक है। अगर आप वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को देखते हैं तो 35 क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कौन सा आरेख भाषा अंग्रेजी और हिंदी का संबंध दर्शाता है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ खुद ही देखिए। भाषा के अंतर्गत क्या आता है, हिंदी भी एक भाषा है और अंग्रेजी भी आपकी क्या है, भाषा है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये बड़ा वाला भाषा का बना, ठीक है, जो नए बच्चे होंगे, ये भाषा है, ये अंग्रेजी है, ठीक है, और ये आपकी हिंदी है। क्लियर है आप लोगों को। चलिए 121वां क्वेश्चन है, यदि आयत महिला को, अब देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, दो टाइप के आते हैं, जो ये आयत है, ठीक है, ये आपका क्या कह रहा है, महिलाओं को, फीमेल को क्या कर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, त्रिभुज पुलिस को। अब ये त्रिभुज जो है ये आपका पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर, नॉट सब, मतलब एसआई, देखिए आपका एसआई का एग्जाम भी है और एसआई भी आपका सब इंस्पेक्टर की यहाँ पे बात भी कर रहा है, ठीक है। और ब्रेथ स्नातक, अब जो ब्रेथ है ये जो ग्रेजुएट है, स्नातक बोला गया है, ठीक है, तो उसको डिनोट कर रहा है, ग्रेजुएट कर देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान देना, तो किस अंक का क्षेत्र उस महिला सब इंस्पेक्टर को प्रकट करता है जो स्नातक नहीं है। तो अब ध्यान देना क्या कह रहा है, अब यहाँ को हमने देखना है, महिला को भी लेना है और सब महिला सब इंस्पेक्टर है, बट वो क्या है, स्नातक नहीं है। ये पॉसिबल तो नहीं है, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो क्या होता है कि आपको सब इंस्पेक्टर बनने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए होता है, क्लियर है, बट क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो महिला कह रहा है, अब देखिए अब इसको एक चीज़ ध्यान देनी है, स्नातक नहीं है तो स्नातक वाला जो है उसको आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है, जो सर्कल वाला था इसको पूरा आप इरेज कर देंगे, इसको हमको काउंट ही नहीं करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ ऐसा, आपको यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। अब क्या कहना है, महिला सब इंस्पेक्टर, अब देखिए महिला कौन सा था, जो फीमेल थी वो की थी, इसमें थी आयत में, और इंस्पेक्ट जो इंस्पेक्टर थी वो ये वाला है, तो ये देखिए 9 आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं किसको लेना है किसको नहीं लेना है, आपको जो जो चीज़ें लेनी है वही आपको काउंट करनी है। देखिए यहाँ पे हमको 9 क्या था, कॉमन था, क्योंकि हमको क्या बोला था, महिला भी बोला था और सब इंस्पेक्टर ही बोला था, तो महिला और सब इंस्पेक्टर यहाँ पे, बहुत से बच्चे बोले सर इसको क्यों नहीं लिया, देखिए यहाँ पे आपका ओनली क्या है, सब इंस्पेक्टर था, यहाँ पे सर, यहाँ पे देखिए आयत नहीं आया हुआ, अगर मैं इसको इरेज करता हूँ तो आप लोग खुद देखिए यहीं तक आया हुआ है, देखिए ठीक है, आपका जो आयत था यहीं तक आया हुआ था, इसलिए हम आयत और जो त्रिभुज के बीच में हमारा था वो कौन था, कॉमन 9 था, इसलिए हमने इसी को लिया। क्लियर है, अगर स्नातक भी बोलता, यहाँ पे नहीं बोल रहा था, स्नातक भी बोलता तो फिर हम क्या करते, 3 को लेते, क्योंकि देखिए सर्कल भी इसके बीच में आ रहा है, आयत भी आ रहा है और त्रिभुज भी आ रहा है। क्लियर है आप लोगों को, इस क्वेश्चन में आपको, अब कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपको सब आ जाएंगे यहाँ पे, मैंने आप तीनों साइड से आपको बता दिए हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछता है, तो हमको यहाँ पे बोला गया था ओनली महिला और सब इंस्पेक्टर, इसलिए 9 आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक करके जाना वीडियो को, ठीक है। चलिए 122वां क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ है, केप टाउन में पानी की कमी की विकटता के चलते, केप टाउन कहाँ है आपका, ये आपका साउथ अफ्रीका में है, वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, ठीक है, यहाँ से आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है। सरकार ने पानी की खपत कम करने के लिए आदेश जारी किए हैं, अभी कथन था, अब नीचे हम पूर्ण धारणा पढ़ेंगे इसकी। अधिकांश नागरिक पानी की खपत कम कर सकते हैं, अधिकांश नागरिक आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसका राइट क्या बनेगा, देखिए केवल अवधारणा एक निहित करता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, केप टाउन में पानी की कमी की विकटता के चलते सरकार ने क्या किया, पानी खपत कम करने के लिए आदेश दिए हैं, तो इसका फर्स्ट क्या बनेगा, अधिकांश नागरिक, अब देखिए नागरिक ही तो करेंगे ना, अब नागरिकों के लिए आदेश मिले हुए हैं पब्लिक के लिए, तो पब्लिक ही क्या करेगी, खपत तो कम कर सकती है। अब यहाँ पे ऐसा तो कुछ बोला नहीं था कि ऊपर से कथन में कि सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे, ऐसा कथन में हमको कथन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, ठीक है, अपने हिसाब से वहाँ पे ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं या वेन डायग्राम होते हैं, जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग ही चलना, अपने अकॉर्डिंग नहीं चलना है, जैसे मैंने इससे पहले अभी ग्रेजुएट वाले में कहा था वेन डायग्राम में, कि अब आप कहेंगे सर सब इंस्पेक्टर बनने के लिए तो फीमेल मेल चलता है बट स्नातक होना चाहिए, बट क्वेश्चन में उन्होंने नहीं बोला था, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना, एग्जाम देने आना समझ में आना चाहिए, ठीक है, कैसे एग्जाम को देते हैं। तो देखिए ओनली एक ही क्या कर रहा है यहाँ पे, संतुष्ट से हो रहा है, ठीक है। 123वां क्वेश्चन है, इन नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता एमटेक है,
हालांकि जो उम्मीदवार एमटेक की अंतिम वर्ष के परीक्षाएं बैठे हैं वे आवेदन कर सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अब बहुत बार आपने देखा होगा, आप लोग जब फॉर्म भरते हैं तो आपसे कहा से होता है कि आप बीएससी लास्ट ईयर में है या बीटेक लास्ट ईयर में, एमटेक लास्ट ईयर में है, तो आप जो भर्ती आती है उसके लिए भर सकते हैं, एलिजिबल है, क्योंकि जब तक एक दो महीने के बाद वो एग्जाम आपका हो जाएगा, बीटेक कंप्लीट हो जाएगा, तो आप उसके एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि पेपर वेपर निकलने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उसके लिए मैं चेक किया जाता है वो चीज़ें। ठीक है, तो देखिए सभी उम्मीदवार को अपनी पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले वे चुने गए उम्मीदवार की सूची में होंगे, पहला यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है, ऐसा तो हमें कुछ दिया नहीं था ऊपर इसके बारे में, इसको हम कट करेंगे सीधे। न्यूनतम एमटेक योग्यता वाले सभी उम्मीदवार चुने गए उम्मीदवारों की सूची में होंगे, नहीं ऐसा भी कुछ लिखा हुआ नहीं है ऊपर, देखिए तो दोनों क्या होंगे, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, अब यहाँ पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। देखिए पहले में क्या है, आपका बाहर एक बॉक्स है, मतलब कैसे वर्ग है, फिर आपका त्रिभुज है, और कितनी लाइन है, चार लाइन है। ठीक है, उसके बाद तीन लाइन आ रही है, ये ध्यान, अब उसको भूल जाओ, यहाँ तीन चार लाइन थी, अंदर तीन है, फिर दो है, तो अगले वाले में क्या आएगी, एक आएगी। एक कैसे आएगी, अब देखिए यहाँ पे क्या था, आपका त्रिभुज था, यहाँ पे आपका क्या था, ये था त्रिभुज था, चार यहाँ पे पांच थे, अब अगले वाले में क्या बनेंगे, छः बनेंगे, क्या वैसे बनेंगे, छः बनेंगे, इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न दिए गए चार चित्रों में से कौन तीन अपना एक समूह बनाते हैं जबकि एक उन चारों से भिन्न है, उस पर चित्र को चुने। ठीक है, तीन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अपना समूह यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए वी डब्लू, अब यहाँ पे देखिए डब्लू डब्लू वी, अब यहाँ पे देखिए एम बन रहा है, उसके बाद ये कुछ नहीं बन रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग हो जाएगा इन सबसे। ठीक है, चलिए अगला है, ऐसी आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला को जारी रख सकता है। ठीक है, देखिए पहले में क्या है, सिंगल ही था, फिर आपका यहाँ पे ये आ गया था, क्लियर है, इसके बाद यहाँ पे ये है और ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक पूरा आएगा, एक हाफ का क्या आएगा, हाफ आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 127वां है, देखिए अब इसको क्या करना है, ध्यान देना दो चीज़ें आती हैं, एक दर्पण प्रतिबिंब आता है, मिरर इमेज आता है, एक आपका वाटर इमेज आता है। ठीक है, जल प्रतिबिंब और वाटर प्रतिबिंब, अब ध्यान देना जो वाटर होगा, दर्पण वाटर होगा वो हमेशा नीचे साइड को बनेगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अगर वाटर है तो उसका छांव हमको नीचे मिलेगी, और जो दर्पण होगा उसकी छांव हमको या इधर मिलेगी, या फिर ये ध्यान देना ये वाला जो ब्लैक किया है ना, ये इधर साइड है या फिर इधर साइड है, ये ध्यान देना, तो यहाँ पे इस साइड बन रही है। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या बनेगा, देखिए इसका अगर उल्टा करेंगे आर का, तो कैसे बनेगा हमारा, यहाँ पे लाइन ये हो जाएगी, ये इस टाइप से बन जाएगा, पहला स्टेप तो हमारा ये रहेगा। ठीक है, अब दूसरे में क्या होगा, ध्यान देना जो नीचे जो एरो दिए हुए हैं, ये है देखिए, ये है, ये देखिए ये उल्टा होगा, तो ये इस टाइप से आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, और देखिए ये वाला, देखिए ये ब्लैक ये है, ये नीचे रहेगा, और यहाँ पे क्या है, देखिए अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल प्रतिबिंब की बात आ गई, मैंने कहा था देखिए वाटर वाला मैंने बताया था, अभी हर चैप्टर से हम क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए अब वाटर हो गया आपका, ठीक है, अब वाटर नीचे कैसे बनेगा, जो डब्लू होगा, ठीक है, डब्लू कैसा बन जाएगा आपका, एम टाइप में बन जाएगा। ठीक है, ए आपका ये बन जाएगा, टी आपका उल्टा बन जाएगा, ई आपका सेम रहता है, नी चेंज होता है, आर आपका ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, यहाँ टी गलत है, यहाँ पे तो पूरा उल्टा बना दिया इनने, ऑप्शन नंबर देखिए डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 129वां है, नीचे दी गई आकृति में क्रमशः कितने त्रिभुज तथा वर्ग हैं। अब देखिए त्रिभुज और ये मैंने इंपोर्टेंट चैप्टर में आपको करवाए थे कि आपको कैसे काउंट करने हैं ये। ठीक है, पहली चीज़ देखिए क्या बोला गया, वर्ग बोला गया है, और दूसरा क्या बोला गया है, त्रिभुज बोला गया है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, वर्ग कितने बने, फिर वर्ग काउंट करो, एक दो तीन, ठीक है, एक ही आपका चार, एक ही आपका पाँच बन रहे हैं, ये कट करो, ये वाला कट करो। ठीक है, क्योंकि पाँच हमारे पास वर्ग मिल गए हैं। अब त्रिभुज काउंट करने के लिए हम कैसे करेंगे, ठीक है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चार चार ये बने कितने, 12 हो गए। उसके बाद ये एक बन रहे हैं, देखिए ये एक पूरा ये वाला बनेगा। ठीक है, ये देख सकते हैं आपका एक त्रिभुज आपका पूरा ये बनेगा, एक त्रिभुज पूरा ये बनेगा, एक त्रिभुज आपका पूरा ये बन रहा है, एक ऊपर वाला ऐसे बन रहा है। ठीक है, इन सबको अगर आप काउंट करते हैं तो कितने बनेंगे, 28 बनेंगे। ठीक है, क्योंकि कितने हो गए, 24 और
चार ही बन रहे हैं, 28 हो गए, ठीक है, 24 + 4 28। 130वां क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 130वां क्वेश्चन है, देखिए प्रश्न में लुप्त पद को ज्ञात करना है, जो ये लुप्त पद है यहाँ पे क्या आएगा हमको ये देखना है। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या बना हुआ है, देखिए ऊपर 41 बना हुआ है, ठीक है। अब 41 कैसे बना हुआ है, एक चीज़ ध्यान देना, मुझे क्वेश्चन को देखते, अब ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने जितनी प्रैक्टिस कर रखी है उसके ऊपर से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे। 41 को अगर देखिए 23 दिया हुआ है, अगर मैं 23 × 2 करता हूँ कितना आता है, मैं एक जनरल आइडिया ले रहा हूँ, अगर मेरा क्वेश्चन बन गया तो ठीक है, चेक करना होता है, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। 46 में से अगर मैं 5 को माइनस करता हूँ, देख के लग रहा है मुझे, ठीक है मैं कर रहा हूँ एक बार ट्राई, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ दूसरा ट्राई करेंगे, तो 41 पहला सही बन रहा है। पर ये नहीं कि आप सब में ये करो, सेकंड भी चेक करोगे ये वाला, अगर ये भी हमारा सेम आया तो आप बीच में जो ये वाला है इसमें भी सेम अप्लाई करेंगे। देखिए 35 है, ये क्वेश्चन को देखते आइडिया आया मेरा, ठीक है, कि मैंने देखा चूंकि प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, क्वेश्चन को देखते आइडिया आ जाता है। 35 है 35, 53 है और 17 है। देखिए 35 × 2 करता हूँ मैं, कितना आ रहा है 70 आ रहा है, 70 में से अगर मैं 17 को माइनस कर रहा हूँ कितना आ रहा है 53 आ रहा है, 53 आया हुआ है, ऑब्वियसली 53 आया हुआ है, इसका मतलब हम दूसरे वाले में यही अप्लाई करेंगे। 29 है 29 × 2 करूँगा मैं, कितना आता है 40 × 9 = 18 58 आता है, 58 में से अगर मैं 11 को माइनस करता हूँ कितना आता है 47 आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, क्लियर है, कितना आसान था। देखिए बस चीज़ों को ध्यान से देखिए, ट्राई करिए कि कौन सा, मतलब आपको जो लग रहा है कि इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको चीज़ें क्लियर होते चली जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 47 आएगा, क्लियर है। 131वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, असंगत शब्द का चयन करना है, कार, हवाई जहाज़, स्कूटर और बस। इसमें ध्यान देना, कार हो गया, स्कूटर हो गया और बस हो गया, ये कहाँ पे चलते हैं, रोड में चलते हैं, पर हवाई जहाज़ कहाँ रहता है, आसमान में चलता है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर बी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। घोड़ा, बकरी, बिल्ली और बैल। अब एक चीज़ ध्यान देना, बकरी, घोड़ा, बैल, बिल्ली, बिल्ली के सब में क्या होते हैं, सबके चार चार पैर होते हैं मान के चलिए, ठीक है, ये लॉजिक तो ठीक ही है। अब एक चांस देखना, घोड़ा हो गया, बकरी हो गया, बैल हो गया, ये क्या है आपके, घास वास खाने वाली चीज़ें हैं, बिल्ली घास नहीं खाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ भी लगाइए बस आंसर निकालिए, कुत्ता, घोड़ी, बकरी और गाय, ठीक है। तो इसमें खुद देखिए आप, घोड़ा अलग है, बकरी और ये कैटेगरी में आते हैं, कुत्ता अलग कैटेगरी में आता है। सभी पुस्तक कलम है, अब सभी पुस्तक क्या है, कलम है, ठीक है। कोई कलम घर नहीं है, कोई कलम घर नहीं है कह रहा है, ठीक है, अलग बनेंगे। सभी घर दरवाजे हैं, अब सभी घर क्या हैं, आपके दरवाजे भी हैं। अब निष्कर्ष निकालेंगे हम, कोई पुस्तक घर नहीं है, ऐसा कुछ है, हाँ ये आपका सही है, क्योंकि देखिए पहली क्या बता, सभी पुस्तकें कलम हैं, ठीक है, पुस्तक क्या थी, कलम थी, कोई कलम घर नहीं है वो भी सही है, सभी घर दरवाजे हैं, सभी घर दरवाजे हैं ये भी था, बट कोई पुस्तक घर नहीं है ऑब्वियस सही है, क्योंकि पुस्तक अलग है, पुस्तक का कोई कनेक्शन ही नहीं आ रहा है इनके साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, पहला आंसर कर रहा है। दूसरा चेक करेंगे, कोई पुस्तक घर दरवाजा नहीं है, नहीं ये गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। कुछ दरवाजे कलम है, ये भी नहीं है क्योंकि अलग है पूरा। कुछ घर पुस्तकें नहीं, घर अलग है, पुस्तकें अलग है, ठीक है। 135वां है, देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या करना होता है, ये क्वेश्चन मैंने सेम क्वेश्चन पहले भी करवा रखा है आपको। इसमें क्या होता है, पहले चार अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाएं, जैसे देखिए ए एन टी एच है, इसको विपरीत क्रम लिख, मतलब इसको एच लिखना है, इसको टी लिखना है, एन लिखना है और ए लिखना है, बाकी आई के सब सेम टू सेम लिखने हैं, ठीक है, जो आए हुए हैं, जैसे आर हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, ओ हो गया, एम ओ आर पी एच आई एस और एम। पुनः अगले चार अक्षरों को पुनः विपरीत क्रम, इसके बाद के जो चार थे, ये चार तो ठीक है, अब ये चार इनको भी अलग लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखना है ओ पी ओ आर, बाकी आगे सब सेम रहेंगे, ऐसे ये भी सेम रहेंगे आगे यहाँ पे एच टी एन ए, और बाकी आगे भी सेम, ठीक है। कह रहे हैं अगले चार अक्षरों को पुनः विपरीत क्रम में लिखा जाए और आगे भी परिवर्तित का यही क्रम, अब आगे भी चारों को लो, उनको भी सेम करो, ये चार भी और फिर ये चार भी, कैसे होंगे पी आर ओ एम, लास्ट में क्या हो जाएगा एम एस आई एच, सब हमने कर दिए विपरीत क्रम में लिख दिए हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं तो विपरीत क्रम के बाद क्रम में 12वां अक्षर कौन सा होगा, अब यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कौन सा है आपका एम है, कौन सा है एम है, ठीक है। तो 12वां अक्षर एम है, तो ये जब लिख दिया है तो एम आया हमारा, एम आपको याद होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या जाएगा राइट यहाँ पे हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना था, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना था।
अगला है, यदि 453945 का आशय, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देख के लग रहा होगा, देखिए जो चार होता है डी का होता है, पाँच होता है ई का होता है, सी का तीन होता है, आई का नौ होता है, डी का चार होता है, ई का पाँच होता है अल्फाबेट वैल्यू, ठीक है। सेम वे 8, 9, 7, 8 का करना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, आठवें में कौन सा आएगा, नौ में कौन सा आता आया आता है, ठीक है, सात कौन सा आएगा, फिर आठ कौन सा आएगा, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है, तो ये तो आप लोग डायरेक्टली भी कर लेंगे, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, 8, 7, मैं कह ही देता हूँ, HIGH, क्लियर है आप लोगों का, कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 137वां है, कहानी है, जैसे कहानी का संबंध उपन्यास से है, ठीक है, कहानी का संबंध आपका उपन्यास से है, उसी प्रकार स्कूल में क्या होता है, स्कूल आपका विश्वविद्यालय, क्योंकि देखिए कहानी फिर उपन्यास आएगी, तो स्कूल का मतलब क्या होता है, विश्वविद्यालय हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 138वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कौन सा ऐसा जोड़ा है जो अन्य तीन से भिन्न है। देखिए 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब कितना होता है, 32 नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, दिए गए अब कौन से अक्षर में निम्नलिखित श्रेणी को पूरा करेंगे, अब ध्यान देना, DZC FYH HXM JVR, अब देखिए ध्यान देना उल्टा चल रहा है, ZYXW, ठीक है, अब उसका क्या आएगा आपका, वी आएगा, क्या आएगा, वी आएगा, बीच वाला वी आएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ऑप्शन नंबर सी, बस टाइम बचाना है आपको, पूरा नहीं पढ़ना है, क्या क्या करना है ध्यान दो चीज़ों में, ठीक है। तो LVW आपका क्या हो जाएगा, राइट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है एग्जाम में। अगर 5 जनवरी 1988 को रविवार था तो 17 अगस्त 1994 को कौन सा दिन आएगा, आप देखिए 6 साल बाद की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, कैलेंडर वाले में इनको अच्छे से पढ़ना आप लोग, इसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे क्या था, रविवार था, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, सोमवार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 141वां, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे बढ़ जाती है, ठीक है, अब ध्यान देना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि उसे रविवार को अपराह्न 3 बजे सही सेट कर दिया गया हो तो मंगलवार प्रातः 10 बजे वह क्या समय प्रदर्शित करेगी। देखिए एक चीज़ ध्यान देना, अब यहाँ पे पहले संडे की नाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, संडे की नाइट की बात कर रहे हैं, संडे को दिन में से रात के 12 कितने घंटे होंगे आपके, 3 से 12 तक आपके 9 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रविवार को रात 12 बजे से लेके सोमवार की रात 12 बजे तक 24 घंटे हो जाएंगे, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद सोमवार की रात को 12 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 10 बजे तक 10 घंटे हो गए, पहले इनको ऐड करेंगे, कितने हो गए, 24 और आपके यहाँ पे देखिए 9 होगा, ठीक है, 12 वाले नहीं, 9 ऐड करेंगे, 9 घंटे, 24 और 34, 34 और 43 घंटे कितने हो जाएंगे, 43 आवर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 3 घंटे में वो 12 सेकेंड आगे बढ़े, हर 3 घंटे में, मतलब अब देखिए 43 है, तो अगर हम यहाँ पे भाग देते हैं 14 का भाग देता हूँ, ठीक है, 14 3 42, तो देखिए मतलब ये कह रहा है हर 14 मिनट में, ठीक है, तो 3 घंटे में 12 सेकेंड आगे हो रही है, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हर 3 घंटे में हो रही है, तो कितनी 43 मिनट, 43 घंटे में कितनी आगे हो जाएगी, ये 14 मिनट, मतलब कह सकते हैं हम 14 गुना 12 करेंगे, ठीक है, क्योंकि 12 सेकेंड आगे हो रही है, तो 14 गुणा 12 करेंगे कितना हो जाएगा, 168 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब 168 सेकेंड आगे हो रही है, वो कहने का मतलब यह है कि 168 सेकेंड आगे हो गई है ये, ठीक है। अब ध्यान देना 168 सेकेंड कितने होते हैं, 2 मिनट के आसपास, 2 मिनट कितने हो जाएंगे, 2 मिनट कितना, 120 में आपका 2 मिनट हो गया, 168 है, तो आपका 2 मिनट 52 सेकेंड के आसपास ये आगे हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है कि 10 बजे वो कितना, तो आगे हो रही है कितने, 2 मिनट, तो देखिए 10:52 सेकेंड इसमें आपको प्रदर्शित वहाँ पे करेगा ये, आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या किया। देखिए पहले क्या किया, 3 घंटे हर 12 सेकेंड में आगे हो रही है, वो 3 घंटे 12 सेकेंड आगे हो रही है, तो टोटल हमारे पास कितने घंटे थे, हमारे पास 43 घंटे हो गए थे, 43 घंटे में हम देखते हैं तो 3 घंटे में 12 हुए, तो 12 से हम अगर कट करके 43 को, ठीक है, तो 14 मिनट के आसपास ही हो जाएगा, ठीक है, 14 हो जाएगा, और 14 जब होगा तो कितने सेकेंड आगे हो रही थी, ध्यान देना 10:30 बोला गया है, ठीक है, तो 112 गुणा 14 करेंगे कितना हो जाएगा, 168 सेकेंड हो जाएगा, 168 सेकेंड मतलब 2 मिनट 52 सेकेंड आगे हो जाएगी, तो 10 बजे बोला गया, तो 10:02 सेकेंड यहाँ पे दर्शन करेंगे, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से अधिक अंक प्राप्त किए हैं,
ठीक है, राज ने क्या किए हैं, मुकेश से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं किंतु प्रिया से ज्यादा नहीं है। अब राज से क्या है, प्रिया से ज्यादा नहीं है, ठीक है, प्रिया सबसे ऊपर हो जाएगी। प्रिया ने गौरव और कविता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अब प्रिया सबसे टॉप पे है, मतलब कविता से भी और गौरव से भी ज्यादा अंक यहाँ पे प्राप्त किए हैं, ठीक, कविता और गौरव से भी। गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए, अब गौरव आपका नीचे हो जाएगा क्योंकि गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए हैं किंतु उससे अंक समूह में सबसे कम नहीं है, सबसे कम नहीं है कह रहा है गौरव के, मतलब इसका मतलब कविता के सबसे कम होंगे, कहने का मतलब ये है। समूह में सर्वाधिक अंक किसके हैं, ऑब्वियसली ऊपर कौन था, प्रिया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो वैसे भी कुछ नहीं करना होता है, डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, ठीक है। चलिए 143वां है, सात लड़कियां ए बी सी डी ई एफ और जी एक कतार में बैठी हैं, एक कतार है, ठीक है, सी ए और डी के बीच में बैठी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ से ए से लेकर यहाँ तक कितने लोग, सात लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या कह रहा है, सी ए और डी के बीच में बैठी है। अब यहाँ पे हम अगर सी को बैठाता हूँ मैं, ठीक है, तो ए और डी के बीच में बैठी हुई है। ई एफ और ई जो है एफ और जी के बीच में है, ई जो है, ठीक है, किसके बीच में, एफ और जी के बीच में है। अगर मैं ई को, देखिए ऐसे नहीं करेंगे इसको क्योंकि कॉर्नर से चलेंगे, ठीक है, ध्यान देना, सात लोग हैं, पहले बोला गया था सी ए और डी के बीच में, अगर सी यहाँ पे है तो ए और डी के बीच में है, ठीक है, ई एफ और जी के बीच में है, अगर ई को मैं यहाँ पे बैठाता हूँ तो किसके बीच में है, ये एफ और जी के बीच में है, ठीक है, और बी डी और एफ के बीच में है, बी जो होगा डी और बी डी और एफ के बीच में है, बी को हम यहाँ बैठाएंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे इरेज कर देंगे हम ये वाला, ठीक है, ये हमारी लाइन थी। अब आगे बढ़ेंगे, यदि ए और जी दोनों छोर पे हैं, अब देखिए जी और ए हमारे छोर पे बैठे हुए हैं, देखिए क्वेश्चन हमारा सही बन रहा है, ठीक है, तो डी किसके बीच में बैठी है, तो डी कहाँ पे बैठी है, सी और बी के बीच में, तो सी और बी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, बहुत आसान था, ठीक है, कुछ भी नहीं करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कर रहा है, 44 और 48 के बीच में कह रहा है, निम्न वर्ण अंकों तथा चिन्हों की व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। देखिए उपयुक्त, अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको ध्यान देना, उपयुक्त व्यवस्थाओं में अपने स्थान के आधार पर निम्न चार में से तीन किसी प्रकार समान है, अतः उनका एक समूह बनता है, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, ठीक है, 3A के एम सी, ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए एम एक ये वाला है समूह में, ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं आएगा, तो बी आर एल कहीं पे आ रहा है आपका, बी आर एल यू है, ये नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त व्यवस्था के सारे प्रतीक हटा दिए जाए तो दाएं से आठवें के दाएं तीसरा तत्व कौन सा होगा, देखिए प्रतीक हटाने, प्रतीक जैसे मतलब ये हटाना है, ठीक है, हैशटैग हटाना है, ये हटाना है, ये भी हटाना है और ये भी हटाना है और ये भी हटाना है। अब क्या कह रहा है, उपयुक्त व्यवस्था में सारे प्रतीक हटा दिए जाए तो दाएं से आठवें, अब दायां देखिए, ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, तो दाएं से कह रहा था कि दाएं, ये दाएं है, यहां से कह रहा है कि आठवां, तो दाएं से आठवें के दाएं, देखिए यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 टी है आठवां, के दाएं तीसरा, इसका दायां तीसरा, टी का दायां तीसरा कौन सा है आपका, ठीक है, तो टी का दायां तीसरा देखिए 1 2 3 एम कौन सा है आपका, एम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक दूसरा व्यंजन है जिसके तुरंत बाद एक प्रतीक है, देखिए व्यंजन की बात कर रहा है और चिक की बात कर रहा है, तो देखिए कौन सा है, यहाँ पर है नहीं, ठीक है, एक ही आ रहा है आपके यहाँ पे, देखिए यहाँ पे देखिए तो एक प्रतीक कह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक ही आ रहा है आपका, ए बी वाला। उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत बाद एक व्यंजन और तुरंत पहले एक संख्या है, ठीक है, इसमें भी ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, प्रतीक के बाद दो आ रहे हैं, ठीक है। चलिए बाएं से छठे के दाएं, ये लोग आपके लिए है, होमवर्क है, आप लोग करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों के चार पासों में से कौन सा पासा बनाना संभव है, ठीक है, एक का जैसे छः हो जाएगा, दो का यहाँ पे पाँच हो जाएगा और ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से बनाना है आपको, ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा, देखिए दो कैसे बनेगा, 1 2 3 दो दो चार और तीन, ये वाला बनेगा 2 4 और 3, तो ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 150वां है, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं
जो यहाँ पे मैं या प्रैक्टिस सेट है तो करवा देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस खुद ही करना इनका, ठीक है? बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सी का पिता ए है। देखिए ब्लड रिलेशन का है, सी का पिता है ए, सी का पिता ऊपर जनरेशन ऊपर जाएगी पिता वाली, ठीक है, ये प्लस है। और डी बी का पुत्र है, जो डी है बी का पुत्र है, ठीक है। ए का भाई ई है, अब ए का भाई कौन है, ई है। यदि डी की बहन सी है, डी की बहन आपकी सी है, तो ई का बी से क्या संबंध है? अब देखिए ई हो गया, अब यहाँ भी अगर डी बी का पुत्र है, ठीक है, अब डी जो है बी का पुत्र है, ठीक है, तो ई का बी से संबंध बताना है, ठीक है। ये दोनों देखिए सेम जनरेशन में आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, भाभी और देवर, क्या हो जाएंगे, भाभी और देवर, ए आपका यहाँ पे क्या जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेट नंबर, प्रैक्टिस सेट आपका थर्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था प्रैक्टिस सेट थर्ड, तो इसको आप लोग करेंगे ध्यान से, ठीक है। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप, दो पेपर इससे पहले के भी करवाए हुए थे, जो 2014-15 और 2016 का पेपर हुआ था एसआई का, और साथ में तीन प्रैक्टिस सेट, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखिए। और जल्दी आपके लिए मैं यहाँ पे मैथ और जीएस का भी प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपके लिए वहाँ पे फिर हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, रीजनिंग की चल रही हैं, साथ में जीएस के प्रैक्टिस सेट भी मैं करवा रहा हूँ, जहाँ पे एक सेट में 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं इंपॉर्टेंट, साथ में परीक्षा वाणी कंप्लीट हो चुकी है, विंसर रेयर बुक मैंने कंप्लीट करवाई हुई है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के जो शब्दकोश वगैरह हैं, ठीक है, लोकोक्तियाँ हैं या गढ़वाली कुमाऊनी शब्दकोश है, वो मैंने करवाए हुए हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।